हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर डी सिखो, फिजिक्स फैकल्टी एट सी एल सी सीकर। आज हम लोग जेई एडवांस 2020 का पेपर वन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल तीन सेक्शन में 18 क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट सेक्शन में 6 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट जो सेक्शन था उसमें 6 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस थे, और थर्ड सेक्शन में 6 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के थे, राइट? तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर वन में देखो आपसे दिया हुआ है कि अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज कैप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर मेड ऑन अ प्लैंक कैप्ट हॉरिजॉन्टली। वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट गेट्स टिल्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द बॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक सेटिस्फाई। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सी इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई होगी, कि जैसे जैसे इस प्लैंक को हम यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं तो ये टिल्ट होता जाएगा और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जाके ये बॉल जो है ये रोल करना शुरू कर देगी। तो उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा पूछी गई है कितनी होने वाली है। तो देखिए इसमें इनिशियली ये दे रखा था कि ये जो फुटबॉल है इसको प्लैंक पर कुछ ऐसे रखा गया है, ठीक, और हमने इस प्लैंक को यहां से टिल्ट करना शुरू किया। तो जैसे जैसे हम इस प्लैंक को टिल्ट करते जाएंगे फुटबॉल की जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी होती जाएगी। अच्छा, जब टॉपलिंग की बात करेंगे ये रोल करना शुरू करेगी तो इस इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर जब रोलिंग होगी तो हम इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हुए बात करेंगे कि जब भी इसने रोल करना है तो इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट देखो जब हम फोर्सेज के टॉर्क की बात करेंगे तो एक mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन n1 और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से n2 आएगा। अब जैसे जैसे हम इसको टिल्ट करते जाएंगे तो देखो mg जो है इसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जब तक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तब तक तो ये बॉल जो है ये रोटेट नहीं होगी। एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा कि जब mg का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आ जाएगा तब ये इसको यहाँ पर रोल डाउन करवा देगा। तो देखो जैसे जैसे हम इस एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे जो mg की लाइन ऑफ एक्शन है ये इस एक्सिस के पास आती जा रही है। तो लिमिटिंग कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब mg की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस पॉइंट से पास कर जाए उस इंस्टेंट तक ये रोल नहीं होने वाला। तो हम वहीं से बस इसकी कंडीशन जो है उसको डेराइव करने वाले हैं। तो ये हमारे पास बॉल और उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जब mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। प्लैंक जो है ये यहां से थीटा एंगल पर है, देखो फुटबॉल का जो रेडियस आ जाएगा वो ये है r, और साथ के साथ हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो होल का रेडियस है वो स्मॉल r के इक्वल है तो वो रेडियस आ जाएगा ये। अब देखो सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा हो जाना है। ये परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया हुआ है तो ये एंगल वापिस से थीटा आ जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये r बाय r के इक्वल आ जानी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। तो साइन थीटा इक्वल्स टू r बाय r, फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्युमिनियम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है इज कैप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो ये एल्युमिनियम की डिस्क खुद के इस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है। अब इसमें देखिए आगे दिया हो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट अबव द डिस्क अवे फ्रॉम द डिस्क। यहां कहीं एक मैग्नेट है, ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, इस एक्सिस के अबाउट इसको कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो आपसे पूछा गया है कि द डिस्क विल, आपसे देखिए ऑप्शंस पहले चेक कर लें कि रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, या सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी या तो नहीं रोटेट करेगी, और फिर टेम्परेचर चेंज की बात करेगा। तो देखो हमें ये पता है कि जब मैग्नेट हम इस डिस्क के ऊपर कुछ ऐसे रख रहे हैं तो इसके कारण कुछ फील्ड लाइन्स जो बनेंगी वो ऐसे होनी चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस डिस्क में से पास हो रहा है। इसका टॉप व्यू देखें तो यहाँ कहीं मैग्नेट को रखा हुआ है और इस डिस्क में से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्रॉस हो रहा है। हमने इस मैग्नेट को रोटेट करवाना शुरू किया, जैसे मैग्नेट को रोटेट करवाएंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा इस एल्युमिनियम प्लेट में से,
और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मेटल प्लेट में से चेंज होता है, हमें पता है कि एडी करंट्स फ्लो होते हैं, और कुछ इस तरह से कि जो भी चेंज इन फ्लक्स आ रहा है उसका अपोज करना होता है। या फिर दूसरे टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि जब हम इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो एल्युमिनियम प्लेट का मोशन कुछ इस तरह से होगा, उसकी टेंडेंसी कुछ ऐसे होगी कि जो भी चेंज इन फ्लक्स आ रहा है उसको मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज कब होगा, जैसे जैसे अपन इस मैग्नेट को जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एल्युमिनियम प्लेट जो है वो खुद को उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट मैच हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सल ऑफ 10 सेंटीमीटर, इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड अ मीटर स्केल इज पोजिशनड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सल विद वन एज ऑफ द स्केल ऑन टॉप ऑफ द एक्सल। तो ये एक रोलर है, इसमें एक्सल दिया हुआ है और उसके ऊपर यहाँ एक स्केल रखा हुआ है, राइट। द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सल। अब इसको यहां से पुश करना शुरू किया और बिना स्लिपिंग के ये इस पर मूव कर रहा है, तो यहां एक तो इन दोनों में स्लिपिंग नहीं हो रही, एंड द रोलर स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलर जो है ग्राउंड के रिलेटिव, वहां पर भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, यानी कि जहां भी मोशन हो रहा है बिना स्लिपिंग का हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है। आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर द पोजिशन ऑफ स्केल विल लुक लाइक। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से ये पूछा गया है कि इस रोलर के रिलेटिव जो स्केल है उसकी पोजिशन क्या रहेगी। तो देखिए, इसको ग्राउंड के रिलेटिव हम सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, और बाद में ये देख लें कौन सी पोजीशन जो है रोलर के अकॉर्डिंग उसकी रहेगी। तो सबसे पहले तो बेसिक्स में जाएं, तो देखो एक रोलर दिया हुआ है, ये इसका एक्सल, सेंटर ऑफ मास, और ये जो रोलर है ये प्योर रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है। मान लो सेंटर ऑफ मास जो है इसकी स्पीड कुछ VCM कंसिडर करते हैं, और जो स्केल है देखो ये यहां एक्सेल के ऊपर कुछ इस पोजीशन पर है अभी, और हमने क्या करना है, स्केल को यहां से आगे पुश करना है। ये वाला जो एक्सेल का पॉइंट है इसकी स्पीड V1 है, और यही स्पीड जो है ये स्केल की भी होगी क्योंकि दोनों में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन में बात करें, देखो ये जो रोलर है ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा, साथ के साथ जो लोएस्ट पॉइंट है ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर रहेगा। अब हमें दिया गया है कि ये जो रोलर है इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और एक्सल का डायमीटर जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो रोलर का रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी और VCM को हम रिलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू VCM बाय 10 सेंटीमीटर, एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी और V1 को कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये V1 अपॉन 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि V1 जो है वो 3/2 टाइम्स VCM के इक्वल आ जाएगा। जो इस पॉइंट की स्पीड है, जो रोलर सॉरी स्केल की स्पीड हो जाएगी वो 3/2 टाइम्स सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी। अब देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये मूव करेगा तो क्या स्केल के फ्रंट पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट X1 जो है इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। और जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास जो है ये 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो जब सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा तो स्केल का ये जो फ्रंट वाला पॉइंट है ग्राउंड के रिलेटिव, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, 3/2 × 50, 75 सेंटीमीटर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाना है। क्लियर ये बात। तब देखो इनिशियली ये कुछ इस पोजीशन पर था रोलर, और स्केल जो था वो यहां पर था ऐसे। अब हुआ ये कि जो रोलर है वो तो 50 सेंटीमीटर ग्राउंड के रिलेटिव आगे चला गया, और ग्राउंड के रिलेटिव देखने पर जो ये वाला स्केल का पॉइंट है ये जाएगा 75 सेंटीमीटर आगे विद रिस्पेक्ट टू रोलर। अगर देखी जाए उसकी पोजीशन, तो ये वाला एंड रोलर पर पहले यहां पर रखा हुआ था, अब यहां पर पहुंच रहा है, यानी कि रोलर के रिलेटिव ये एंड मूव किया है
25 सेंटीमीटर आगे की तरफ। तो एक बार ऑप्शंस देखें क्या कुछ हमारे सामने आ रहे हैं। तो रोलर के रिलेटिव ये वाला जो पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर आगे मूव किया हुआ है, इट मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन आएगा इसमें वो करेक्ट मैच हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर कॉयल है जिसका रेडियस आर है और इसमें एन टर्न्स हैं, रेजिस्टेंस इसका दे नहीं रखा। एज शोन इन द फिगर इट हैज टू एंड्स दैट आर कनेक्टेड टू टू वायर्स एंड इट इज हैंगिंग बाय दोज वायर विद इट्स प्लेन बीइंग वर्टिकल। तो ये जो लूप है इसको वर्टिकल प्लेन में हैंग किया हुआ है इन वायर्स का यूज करते हुए, ठीक है। द वायर्स आर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर विद चार्ज क्यू, तो इस कैपेसिटर पर कुछ चार्ज दिया हुआ है। थ्रू अ स्विच द कॉयल इज इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल में से इस कॉयल के प्लेन के पैरेलल दे रखी है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज्ड। अब जैसे इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये चार्ज जो है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा और इस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा, राइट। द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द कॉयल इन वेरी शॉर्ट टाइम। By the time the capacitor is discharged fully, the magnitude of angular momentum gained by the coil will be। तो एक तो एंगुलर मोमेंटम के गेन की बात कर रहे हैं और दूसरा देखो assumption हमें जो लेके चलना है वो ये है कि discharge time जो है ये बहुत कम है, that the coil has hardly rotated during this time। तो इस duration में, इस बहुत small duration में जो coil का rotation है वो हमने neglect कर देना है। अब देखो angular momentum की बात कर रहे हैं तो angular momentum आया कहाँ से होगा, torque लगेगा इस पर, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो आता है ये एंगुलर इंपल्स के इक्वल रहेगा। तो अगर किसी भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगता है तो उसकी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। दूसरा पॉइंट हमें ये भी पता है कि अगर कोई एक कॉयल है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर जो टॉर्क आता है वो आता है बी आई एन ए साइन थीटा के इक्वल, जहां थीटा क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर ऑफ द कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल। अब यहां इस गिवन सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल दे रखी है और एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ रहेगा, दोनों में एंगल 90 डिग्री है और ये लूप जो है ये रोटेट नहीं हो रहा, तो टॉर्क भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। और ये टॉर्क कितना आ जाएगा, देखो बी आई एन ए के इक्वल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट दिया हुआ है और करंट को क्या लिखें, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये चार्ज जो है क्यू यहां से पास हो रहा है, तो मान लेते हैं कि वो ड्यूरेशन अगर टी है तो हम लिखेंगे कि जो करंट फ्लो किया है वो है क्यू बाय टी। यहां पर वापस आते हैं तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, इनिशियली रेस्ट पर था तो एंगुलर मोमेंटम जीरो था, किसके इक्वल आ जाएगा एक्सटर्नल टॉर्क जो कि बी नॉट क्यू बाय टी एन इंटू एरिया और इंटीग्रेशन में dt जो है वो टोटल इसका टाइम के इक्वल आ जाना है। तो यहां से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ये b नॉट q n पाई r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, करेक्ट शेप ऑफ इमर्जेंट वेव फ्रंट विल बी। तो देखो इमर्जेंट वेव फ्रंट, यहाँ पैरेलल लाइट इंसिडेंट की गई है, इसका मतलब एक कुछ इस तरह के वेव फ्रंट्स इस पर इंसिडेंट किए जा रहे हैं और इमर्जेंट वेव फ्रंट्स की हमसे बात कर रहे हैं। देखो जब भी वेव फ्रंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिस पर जो लाइट रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर रहती हैं, तो बेटर यही रहता है कि हम पहले रे डायग्राम बना लें और रे डायग्राम का यूज करते हुए वेव फ्रंट जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखना इस सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, पहले तो जो ग्लास का सरफेस है वो ऐसा दिखाया गया है ये, तो इसको तीन पार्ट्स में अगर अलग अलग ब्रेक करके चलें तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक ये वाला सरफेस रहेगा, दूसरा ये रहेगा और तीसरा ये रहेगा। अब जब हमने लाइट रेज को यहां इंसिडेंट करवाया है, ये पैरेलल बीम जो है इसको इंसिडेंट किया यहां पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद इनका बिहेवियर कैसा होगा। देखो सरफेस ये है,
इधर ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा ही रहेगा, तो ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर है और बाहर जो है ये मीडियम रेयरर दिया हुआ है। तो यहाँ से जो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई है उसका नॉर्मल देखें तो सरफेस कैसा रहेगा, सेंटर इधर की तरफ आने वाला है, और डेंसर से रेयरर वाला केस है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसकी बेंडिंग होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसकी बेंडिंग होगी। तो यहाँ से जो रेज बाहर जा रही हैं ये रेज कुछ इस तरह से कन्वर्ज होने की टेंडेंसी में रहेंगी या कन्वर्ज होंगी। क्लियर ये पॉइंट। अब देखो दूसरे वाले केस में हम बात करें कि वहां पर जो सरफेस है वो ऐसा है ये वाला, और हमने जैसे ही इस पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट की, यहां मीडियम डेंसर है ये रेयरर मीडियम है, और डेंसर से रेयरर में जाना है तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा रहेगा, तो जो पैरेलल रेज आ रही थी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह से बेंड हो जाएंगी, राइट। तो इस जगह जो पैरेलल रेज इंसिडेंट की हुई हैं वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होनी है, ये लो। और सिमिलरली यहां से जो रेज आने वाली है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी कुछ ऐसे। तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है यहां तो रेज कन्वर्ज होंगी रिफ्रैक्शन के बाद, सबसे नीचे वाले पोर्शन में भी कन्वर्ज रहेंगी, और बीच वाले पोर्शन में रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगी। और हमें पता है कि जो वेव फ्रंट हमने बनाना है वो कैसा रहेगा, इन रेज के परपेंडिकुलर, ये कॉमन सरफेस जो परपेंडिकुलर वाला रहेगा वो इस तरह का और फिर यहाँ ऐसा। तो जो इमर्जेंट वेव फ्रंट रहेगा वो कुछ इस शेप का रहेगा। अगर हम गिवन ऑप्शंस में मैच करें तो जो ए ऑप्शन है देखो ये मैच हो रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि एक ओपन एंडेड यू ट्यूब है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया विच कंटेन्स वाटर ऑफ डेंसिटी 10 रेज टू पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब। इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड्स एट 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। तो इनिशियल वाली सिचुएशन देखो क्या दे रखी है आपको, ये जो यू ट्यूब है इसमें ऐसा है कि 29 सेंटीमीटर तक दोनों साइड पर वाटर मौजूद है, तो दोनों वर्टिकल लिम्स की बात करें तो टोटल वाटर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 58 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। केरोसिन ऑयल ऑफ डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब इज एडेड टू द लेफ्ट आर्म अंटिल इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, राइट। द रेशियो ऑफ H1/H2 द हाइट्स ऑफ लिक्विड इन द टू आर्म्स, तो H1/H2 का रेशियो चाहिए इसको। तो अब देखो हम तो क्या काम करेंगे कि इक्विलिब्रियम पर है तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा और इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा इसको इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर रहेगा वो सेम हो जाना है। बस इस प्रेशर को यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस नीचे जाते हुए लिखेंगे और इसको यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस नीचे जाते हुए लिख रहे हैं। अगर ये वाली हाइट H2 है तो क्या ये वाली हाइट हमें पता चलेगी कितनी है, क्योंकि वाटर कॉलम जो है इसकी टोटल लेंथ है वर्टिकल लिम्स में 58 सेंटीमीटर, जिसमें से H2 तो यहाँ चला गया, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वर्टिकल लिम है इसमें ये हाइट हो जाएगी 58 माइनस H2 के इक्वल, क्लियर। तो यहाँ वाला प्रेशर मैं लिख रहा हूँ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है तो देखो P0 प्लस केरोसिन ऑयल में नीचे जा रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा रो जी एच, फिर वाटर में 58 माइनस H2, H2 को हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ वाला प्रेशर ये आ जाएगा रो जी और इसकी हाइट विच इज 58 माइनस H2 बाय 100, ठीक है जी। ये जो प्रेशर यहाँ पर है सेम प्रेशर यहाँ होना चाहिए और उसको हम इधर से लिख रहे हैं, ये आ जाएगा P0 प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू H2 सेंटीमीटर में। तब देखो एक तो P0 कैंसिल आउट हो जाना है यहाँ से, एक जो 100 है कॉमन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 100 यहाँ से देखो इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो फाइनली एक जी भी कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 4 × 10 = 40, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 5 × 58 = 290 माइनस 5H2 और दिस इज इक्वल्स टू 5H2, तो 330 = 10H2,
बेटू जो एच टू की वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी हमारे पास 33 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए एच वन, एच वन कितना हो जाएगा 58 माइनस एच टू प्लस 10 सेंटीमीटर, तो 58 में से एच टू 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा 25, और 10 सेंटीमीटर वो है तो जो एच वन की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो जो एच वन बाय एच टू का रेशो हो जाएगा वो 35/33 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसमें सेकंड सेक्शन है जो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस का है। इसमें सेवंथ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विद पोटेंशियल एनर्जी वी इक्वल्स टू एफ आर वेयर एफ इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड आर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। Its energies are calculated using Bohr's model. If radius of particle's orbit is denoted by r, and its speed and energy are denoted by v and e respectively, then for nth orbit, आपको एक तो radius का relation पूछा गया है n के साथ कैसा होगा, velocity का relation कैसा होगा और energy का relation कैसा होगा। तो बेटू इसमें भी basics में जाके हम solve करते हैं। सबसे पहले तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एफ आर, तो यहां से हम इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा माइनस ऑफ डीवी बाय डीआर। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फोर्स आ जाएगा माइनस एफ के इक्वल। अब फोर्स एफ जो है ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज कॉन्स्टेंट है और टूवर्ड सेंटर लगना चाहिए ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो मान लो ये पार्टिकल जो है ये v स्पीड से मूव कर रहा है जिस पर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स f लग रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ये f प्रोवाइड करेगा, तो एक रिलेशन तो अपने पास आ जाएगा f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय r, एज वेल एज उसने ये बोला हुआ है कि ये बोहर मॉडल को का यूज करते हुए एनर्जीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम वी आर वो होना चाहिए एन एच बाय 2 पाई। इन दो रिलेशंस का यूज करते हुए हम v और r कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से r की वैल्यू को एम वी स्क्वायर बाय एफ सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये आएगा एम वी इंटू आर किसके इक्वल आना है एन एच बाय 2 पाई। हाँ जी v क्यूब आ जाएगा एन एच एफ बाई 2 पाई एम स्क्वायर। क्लियर? तो जो v आ जाएगा बेटू ये आ जाएगा एन एच एफ बाई 2 पाई एम स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 के इक्वल, और यही वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट करेंगे तो r आ जाएगा हमारे पास एम बाई एफ इंटू वी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर 4 पाई एम रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/3। तो एक पॉइंट तो देखो इनकी प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई थी, तो v जो है ये तो n रेज टू पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल और r जो है ये n रेज टू पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल आएगा। इट मींस जो सेकंड ऑप्शन है एक तो वो मैच हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद पूछा गया है एनर्जी का रिलेशन कैसा रहेगा, तो दो तरह की एनर्जी आएगी, एक तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और दूसरा इसमें रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक कैलकुलेशन में देखना, ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पाई का स्क्वायर रहेगा, राइट? चलिए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जैसा हमें दिया हुआ था एफ इंटू आर के इक्वल है। जो पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है वो एफ इंटू आर के इक्वल है और आर को हम यहां से लिख सकते हैं, देखो एम वी स्क्वायर बाय एफ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है एफ इंटू आर, इसको हम एम वी स्क्वायर लिख दें, तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी वो है 3/2
एम वी स्क्वायर के इक्वल, राइट। अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो तो टोटल एनर्जी जो बचती है वो कितनी आ जाएगी, यह है 3/2 एम वी स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम रेज टू पावर 4 1/3। ठीक है, इस एम को भी अंदर क्लब कर दो तो एक क्यूब अंदर जाएगा, तो फाइनली जो ई की वैल्यू आ जाएगी ये है 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं इसमें, यह आ जाएगा 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम रेज टू पावर 1/3। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है बेटू ये भी मैच हो रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब हैज सरफेस एरिया 64 mm square। द फिलामेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ 2500 Kelvin एमिटिंग रेडिएशन लाइक अ पॉइंट सोर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम फार। एट नाइट द बल्ब इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters। एज्यूम द प्यूपिल ऑफ द आई टू ऑफ द ऑब्जर्वर टू बी सर्कुलर विद रेडियस 3 mm। देन पावर रेडिएटेड बाय फिलामेंट एक तो पूछा गया है, रेडिएटेड पावर एंटरिंग इन टू द आई वो आपसे पूछा गया है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में बातचीत की गई है, और एवरेज वेवलेंथ 1740 nm लेते हुए आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एंटर हो रहे हैं इस आई में। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये, तो एक बार चेक कर लेते हैं अप्रोच क्या है फिर कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो देखो हुआ ये है कि एक पॉइंट सोर्स मानते हुए हमने बात करनी है, ये फिलामेंट है बल्ब है बेसिकली, अगर ये पावर पी नॉट रेडिएट करता है तो हमें ये पता है कि जो रेडिएटेड पावर है वो होती है ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, और यहाँ ब्लैक बॉडी की तरह एमिशन हो रही है इसकी, तो सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 जो है ये पावर ये रेडिएट करेगा, और क्योंकि इसको पॉइंट सोर्स जैसा मानना है तो ये रेडियली हर डायरेक्शन में पावर एमिट कर रहा है, और हमसे ये बोला गया है कि यहां से किसी डिस्टेंस 100 meters से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो फिर उसमें कितनी पावर जो है वो इस आई में एंटर होने वाली है। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि इस पोजिशन पर इंटेंसिटी कितनी है उस लाइट की, क्योंकि एक बार इंटेंसिटी पता चलेगी तो आई का रेडियस दिया हुआ है उसका एरिया हमें पता चल जाएगा, तो हम बता सकते हैं कितनी पावर वहां पर उसमें एंटर हो रही है। तो अगर पॉइंट सोर्स से किसी आर डिस्टेंस पर पूछा जाए कि इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा पी नॉट अपॉन 4πr². पी नॉट तो उसने रेडिएट किया है, और अगर हम इसको रेडियस आर मान लेते हैं तो यह आ जाएगा 4πr² के इक्वल, जहां स्मॉल आर दिया हुआ है हमें 100 meters। अब ये जो लाइट है ये यहां एंटर हो रही है इसकी आई में, मान लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ आई है वो कुछ आर है, क्लियर। तो जो आई में यहां पर पावर एंटर होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर जो उसके प्यूपिल का एरिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार कैलकुलेशंस की बात करें तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है जो पी नॉट है इसकी वैल्यू तो आएगी 141.75 watt। ठीक है, और दूसरा जो आई में एंटर होने वाली पावर है जब यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 3.18 × 10⁻⁸ watt। तो पहले इन दो ऑप्शंस की बात कर लें, एक तो ये दिया हुआ है कि पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन रेंज 642 to 645 watt, जो कि नहीं है इस रेंज में, पावर जो ये रेडिएट कर रहा है वो 141.75 है। दूसरा जो पावर आई में एंटर हो रही है वो है 3.18 × 10⁻⁸ watt, और इसने बोला है कि 3.15 से
3.25 into 10 raised to power minus 8 watt में इसकी रेंज आ रही है, तो ये बिल्कुल एक ऑप्शन मैच हो रहा है, क्लियर। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए, इसने बोला हुआ है कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करेंगे इसमें। हमें पता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इस गिवन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, उसको हम लिख सकते हैं बी बाय टी। तो वीन्स कॉन्स्टेंट भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1160 नैनोमीटर, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया भी हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन भी अपना यहाँ से मैच हो जाएगा। और लास्ट आपसे ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इस आई में एंटर कर रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगर एक फोटोन की बात करें जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा। एन नंबर ऑफ फोटोन्स के पास टोटल एनर्जी हो जाएगी एन एच सी बाय लैम्डा। टी टाइम में अगर बात करें कि इतनी एनर्जी एंटर हो रही है, तो जो पावर उस आई में एंटर हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इसकी आई में एंटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे पी लैम्डा बाय एच सी के इक्वल। अब उसने ये भी बोला हुआ है कि एवरेज जो वेवलेंथ हमने लेनी है वो है कुछ 1740 नैनोमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है इसका, तो वो आ जाएगा 2.78 इंटू 10 रेज टू पावर 11। तो ये भी ऑप्शन जो है मैच हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज 2.75 से 2.85 इंटू 10 रेज टू पावर 11 दी हुई है, और जो आंसर आ रहा है ये 2.78 इंटू 10 रेज टू पावर 11 है। तो इसमें तीन ऑप्शंस बी सी एंड डी जो हैं ये मैच हो रहे हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दिया हुआ है कि सम टाइम इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। इन सच अ सिस्टम डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्स एज फॉलोज। तो पोजीशन जो है इसको किसी कॉन्स्टेंट एक्स रेज टू पावर अल्फा बोला गया है, स्पीड को एक्स रेज टू पावर बीटा बोला गया है, एक्सेलरेशन को एक्स रेज टू पावर पी, मोमेंटम को एक्स रेज टू पावर क्यू, और फोर्स को एक्स रेज टू पावर आर बोला है। तो हमसे देखो अल्फा पी आर बीटा इनके रिलेशंस पूछे गए हैं, तो डायमेंशंस का कंपैरेटिवली एक इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसमें जो पोजीशन है जिसको ये एक्स रेज टू पावर अल्फा बोल रहा है, उसको हम पोजीशन है तो एल रेज टू पावर 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली जो स्पीड है ये एक्स रेज टू पावर बीटा है, तो इसको हम बोलेंगे एल टी माइनस 1। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है एक्सेलरेशन, जो कि एक्स रेज टू पावर पी है, तो एक्सेलरेशन है तो इसको हम लिखेंगे एल टी माइनस 2, ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी के इक्वल आ जाएगा, तो ये है एम एल टी माइनस 1। और लास्ट इसमें दिया हुआ है कि फोर्स जो है एक्स रेज टू पावर आर, हमें पता ही हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। अब देखो ऑप्शंस देख के हमें वन बाय वन इनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सब में रिलेशन जो है वो अलग अलग से दे रखे हैं। तो वन बाय वन अगर ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें अल्फा प्लस पी की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस पी जो है वो हमारे पास कहां से आएगा, इन दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस पी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा एल इंटू एल टी माइनस 2, तो ये आ जाएगा एल टू टी माइनस 2। और हमें ये बोला गया है कि इसको बीटा के साथ कंपेयर करना है, तो बीटा कितना है एल टी माइनस 1, तो डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स रेज टू पावर 2 बीटा के इक्वल ही आ जाएगा। दोनों साइड पावर्स कंपेयर करते हैं तो अल्फा प्लस पी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बीटा के इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मैच होगा। सेकंड बी ऑप्शन की अगर बात करते हैं, तो इसमें देखो दिया हुआ है पी प्लस क्यू माइनस आर, तो पी प्लस क्यू माइनस आर इट मीन्स इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके थर्ड से डिवाइड करने वाले हैं, तो एक्स रेज टू पावर पी प्लस क्यू माइनस आर किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 3 ओवर एम एल टी माइनस 2। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी एल टी माइनस 1 के इक्वल,
और एल टी माइनस वन जो है ये एक्स रेज टू पावर बीटा है। तो हम बोल सकते हैं कि पी प्लस क्यू माइनस आर किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के इक्वल। तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ मैच हो रहा है। चलिए थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है पी माइनस क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट इसको इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करने वाले हैं, तो एक्स रेज टू पावर पी प्लस आर माइनस क्यू ये हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो एम एल टू टी माइनस फोर, और डिवाइड करने वाले हैं हम एम एल टी माइनस वन से, तो ये वैल्यू आ जाएगी एल टी माइनस थ्री। अब देखो बेटा ऑप्शन में इसको कंपेयर किया गया है कि ये अल्फा के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर अल्फा की बात करें तो एक्स रेज टू पावर एल में सिर्फ एक्स रेज टू पावर अल्फा में सिर्फ एल आ रहा है, यहाँ हमारे पास टी का भी ऑप्शन है एक, तो ऑब्वियसली ये एक्स रेज टू पावर अल्फा के इक्वल तो नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें डी ऑप्शन पे और देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू बीटा, तो पी प्लस क्यू प्लस आर इन तीनों का जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये है एम टू एल थ्री और टी रेज टू पावर माइनस फाइव। राइट हैंड साइड में ये बीटा से कंपेयर कर रहा है, तो बीटा देखेंगे तो एक्स रेज टू पावर बीटा जो है वो एल टी माइनस वन है, जबकि यहाँ हमारे पास एक m की टर्म भी आ रही है, तो ये x रेज टू पावर बीटा के इक्वल नहीं होने वाला, तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका मैच नहीं होगा। इसमें सिर्फ a और b जो हैं ये ऑप्शंस मैच होंगे। तो टोटल 18 क्वेश्चंस में से बेटा जी 9 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस मिस्टर प्रमोद ढाका जो हैं वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका, फिजिक्स फैकल्टी एट सीएलसीसी कर। तो डियर, पेपर फर्स्ट के जो स्टार्टिंग के नो क्वेश्चंस थे वो आपके साथ आरडी सर ने डिस्कस किए हैं, अगले नो क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें डियर, देखो 10 में क्या बोल रहा है, दैट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 400 रूट 3 वाई कैप न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड इन अ रीजन। अच्छा जी साहब, देखो इस डायरेक्शन में वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लागू किया गया, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन विद एन इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, तो यहां से अपन ने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। उस चार्ज पार्टिकल पर चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है, मास उसका स्मॉल एम है और चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। यदि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब पार्टिकल जो है वो कुछ इस टाइप से जाएगा और पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, दिस फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज क्यू ई इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा जी, दिस पार्टिकल इज एम टू हिट ए टारगेट कैपिटल टी। वो कह रहा है इस पार्टिकल को कैपिटल टी पर हिट करना है। अच्छा, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इन टू द फील्ड एज शोन स्कैमेटिकली इन द फिगर। टेक क्यू बाई एम इज इक्वल टू 10^10 कूलम पर केजी देन। अच्छा जी सर, तो ये कहना चाह रहा है, देखो दो ऑप्शन यदि आप इसके पढ़ते हो ना, चारों ऑप्शन में, तो एक तो इसने प्रोजेक्शन एंगल की बात की है, जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट में तो 45 डिग्री, 30 फर्स्ट ऑप्शन में 45, दूसरे में 30 और 60, और दूसरे वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की है। ठीक बात बेटा, तो अपन जो है वो देखते हैं सर कि एक तो किस स्पीड से प्रोजेक्ट करना है पार्टिकल को और एक किस एंगल पर प्रोजेक्ट करना है। अच्छा जी सर, तो सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं, देखो इसमें छोटा सा अपन थोड़ा सा डिस्कशन ले लें पहले, तो बेटा यदि किसी चार्ज यदि किसी पार्टिकल को अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने यह पढ़ा है कि पार्टिकल की जो रेंज होती है ना उसका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ, है ना, डिवाइडेड बाय जी। और इस वाले केस में अपन जी के प्लेस पर क्या काम में ले लेंगे, क्योंकि जो रोल वहां पर ग्रेविटी प्ले कर रही थी ना, mg वाला फोर्स प्ले कर रहा था वहां पर, यहां पर ये रोल वो एक्सिलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आ रहा है वो प्ले करेगा, तो u² sin 2θ अपॉन ए। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इसका, दैट वैल्यू विल बी 2u sin θ डिवाइडेड बाई ए। दो चीजों के बारे में बात की है, ठीक है। तो यदि मैं इस केस में सबसे पहले तो एक्सिलरेशन की बात कर लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सिलरेशन पार्टिकल पर एक्टिंग होगा दैट विल बी क्यू ई बाई एम, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, क्यू बाई एम की वैल्यू इन्होंने जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 10^10 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 400√3, बोलो सही। तो जी सर, यहां से यदि इसको थोड़ा सा सजा के लिखें तो पार्टिकल का जो एक्सिलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है दैट कैन बी रिटन एज 4√3 इंटू 10^12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा,
अब यदि मैं रेंज वाली बात करूं, देखो पार्टिकल यहां पर इसको इस पॉइंट पर हिट करना है और यहां से इसके डिस्टेंस की यदि बात करते हैं ना बिट्टू, तो ये डिस्टेंस मेरे पास जो आ रही है ना, दैट इज कमिंग एज 5 मीटर। तो ये सर रेंज 5 मीटर है, यू की वैल्यू गिवन है, ए गिवन है, थीटा पूछा है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से यू की वैल्यू पुट कर लेता हूं एंड यू की वैल्यू है 2√10 × 10⁶। ठीक है, ठीक है जी सर, तो यू की वैल्यू है 2√10 × 10⁶। तो हमने कहा सर सबसे पहले तो रेंज को लेकर प्रोजेक्शन एंगल डिफाइन कर सकते हैं। रेंज है 5, इसका स्क्वायर करोगे यू स्क्वायर, इट इज 4 × 10 × 10⁻¹² इंटू में साइन 2θ डिवाइडेड बाई दी एक्सिलरेशन, दैट इज 4√3 × 10⁻¹². ठीक है, अब देखो 10⁻¹² से तो 10⁻¹² सही हो गया, एक 4 से 4 सही हो गया, ये 5 है ये 10 है, तो इधर 2 बच गया। तो डियर साइन 2θ की वैल्यू जो मेरे पास सोल्व करने पर आ रही है ना, दैट वैल्यू इज कमिंग एज √3/2। इसका मतलब जी साहब अपना 2θ जो है, आइदर इट इज 60° और इट इज 120°, या तो 60° है 120°। तो जी सर आपका थीटा जो है इस वाले केस में, प्रोजेक्शन एंगल जो है, आइदर इट इज 30° और इट इज 60°। मतलब प्रोजेक्शन जो होना चाहिए वो 30° या 60° पर होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा ना, उसके दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली थीटा के बेसिस पर तो दो ऑप्शन है। तो पहले वाले केस में तो अपन यदि बात करें ना, देखो इसके लिए तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि सर ऑप्शन बी जो आ रहा है ना अपना, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे को सी और डी में से देखना है। देखो डी तो वैसे भी दो के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो नहीं होगा, पर सी होगा कि नहीं होगा ये अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो कर लेते हैं बेटा ना, हमने कहा सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u इज 2√10 × 10⁶ इंटू साइन 30, पहले 30 वाले के लिए बात कर ले, अपॉन द एक्सिलरेशन दैट इज 4√3 × 10⁻¹². ठीक है क्या ये यार? अच्छा जी, तो देखो एक तो ये 4 सही हो गया, और मैं बात करूं तो ये 10⁶ है, ये −12 है, सॉरी +12, ऊपर जाके −12, तो −6 बच गया आंसर। वैसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट का माइक्रोसेकेंड में दे रखा है, तो अंडर रूट में यदि इसको सजा के लिखें थोड़ा सा ना, ये 10 तो है ही, ये 3 है और ये 4 मेरे पास आ रहा है, और साथ में माइक्रो सेकेंड आ गया सर। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। सो टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट वाले केस में यदि मैं बात करता हूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, दैट इज अंडर रूट 5/6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, फिर दूसरे वाले केस में यदि मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड केस में, तो उसमें बाकी सारा डाटा तो सेम है, साइन 30 के प्लेस पर मुझे ये वाला जो डाटा है ना, 30 के प्लेस पर साइन 60 पुट करना है, दैट मीन्स दिस इज √3/2 है ना, √3/2। तो इस डाटा को मतलब मैं कहूं इट इज √3 × t1, बोलो हाँ कि ना? तो जी सर √3 जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस डाटा विल बी √5/2 माइक्रोसेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ रहा है, इट इज √5/6 माइक्रोसेकेंड और √5/2 माइक्रोसेकेंड, दो ऑप्शन है सर। तो यदि अपन अपने क्वेश्चन से बात करते हैं डियर, है ना, तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपने सॉल्यूशन से करेक्ट आ रहा है। ठीक है, 4th इनकरेक्ट है, तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर हो गए बी और सी। चलो डियर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो डियर इसमें क्या बोल रहा है कि शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस टी, रेजिस्टिविटी रो, इट्स इनर रेडियस इज R1 एंड द आउटर रेडियस इज R2। देखो डियर ये एक्चुअली कुछ इस टाइप से स्ट्रिप है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करती भी, और उसकी कुछ थिकनेस है, ये वाली मतलब ये रेडियल डिस्टेंस ये R1 है, ये रेडियल डिस्टेंस R2 है, थिकनेस जो है ना वो T कुछ इस टाइप से, मतलब ये उसकी विड्थ है। ठीक बात, अच्छा जी। फिर वो बोल रहा है इफ ए वोल्टेज V नॉट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड, इन दो एंड के बीच में यदि अपन ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो इसमें से एक करंट फ्लो करती है, करंट की वैल्यू क्या बोल रहा है, I फ्लो कर रही है। अच्छा, इन एडिशन इट इज ऑब्जर्व दैट अ ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा V डेवलप्स बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सर्फेस ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स के जो मोशन हो रहे ना केवल उनकी वजह से ही बात करनी है, क्योंकि इसने इग्नोर एनी रोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट बोल रखा है। ठीक है, तो जी सर इस वाले केस में इस वाले सरफेस और इस वाली सरफेस के बीच वो कह रहा है कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ऑप्शन बी और सी में उसके बारे में उसने डिस्कशन कर रखा है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पर और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर है, तो अपन बात करेंगे उसके बारे में भी। देन फिगर इज स्कीमेटिक नॉट ड्रॉन टू स्केल, ठीक है जी सर।
तो ऑप्शंस की यदि बात करें ना, तो एक तो उसमें करंट कैलकुलेट कर रखा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बता रखा है कौन सा हाई पोटेंशियल पर है, और एक वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है डियर, तो अपन इसके बारे में बात करें। देखो सबसे पहले तो मैं करंट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो डियर सिचुएशन कुछ ऐसे टाइप की है, ये मेटलिक स्ट्रिप जो है ना वो ऐसी है और इसकी कुछ थिकनेस है, 3D में बात करें तो ठीक है कुछ ऐसा सा। क्लियर? तो हमने कहा सर सबसे पहले तो देखो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा ना वो इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच है, तो मैं सोचो इस टाइप का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पर, रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पर अपन ने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है और उस एलिमेंट की जो थिकनेस है डीआर, दैट इज डीआर, रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पर डीआर थिकनेस का एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स आ रहे ना वन बाई वन, ये सारे एलिमेंट्स किस में कनेक्टेड है? देखो इन एलिमेंट्स के इधर वाली साइड और इधर वाली साइड पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में हो गए सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, तो इस एक एलिमेंट की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो था रो एल अपॉन एरिया। रो लेंथ कितनी एलिमेंट की यहां से यहां तक कितनी है डियर? पाई आर अपॉन एरिया। एरिया कितना है? देखो सामने से यदि देखते हो ये हाइट जो है ना इसकी, ये वाली हाइट, ये वाली, ये टी है और आपने एलिमेंट यहां पर डीआर थिकनेस का लिया है, तो इसका एरिया जो मेरे पास आएगा दैट विल बी टी इनटू डीआर। अच्छा, ये सारे के सारे जो कनेक्टेड है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि मैं कैलकुलेट करता हूं देन वन अपोनेंट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपोनेंट डीआर। बोलो सही है? तो जी सर इस वाले केस में ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है इंटीग्रेशन टी डी आर डिवाइडेड बाय कितना डी आर? रो पाई आर। और स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस जो है वो आर वन से कहां तक वेरी कर रही है? आर टू तक। तो आपका जो रेजिस्टेंस इस वाले केस में आ रहा है आर इक्विवेलेंट दैट वैल्यू बिकम्स रो पाई लॉग आर टू अपॉन आर वन डिवाइडेड बाय आर, सॉरी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। और यदि ये रेजिस्टेंस है तो सर करंट क्या होगा? करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दैट वैल्यू बिकम्स वी नोट टी डिवाइडेड बाय रो पाई लॉग आर टू अपॉन आर वन। बोलो जी सर यस और नो? अरे बात सही है क्या? अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा देखो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब बेटा करंट फ्लो की यदि मैं बात करूं तो ऑब्वियसली करंट जो है वो इस डायरेक्शन में इस टाइप से फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। अब जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन की यहां बात करता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर सर्किल के सेंटर के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं तो आप इस पर बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा सकते हो। यदि इफेक्टिव स्पीड को वीडी मानते हैं तो बाहर की डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट वैल्यू विल बी एम वीडी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो आपने सर्कल में माना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, तो कोई ना कोई सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए। वो कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में यदि फोर्स लगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, वेयर कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड विद इन द कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। अच्छा सोचो, अब यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है दैट मींस दिस सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल। बोलो यहां की ना? तो जी सर इस वाले केस में पहला तो अपना जो करंट का आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, दूसरा वो कह रहा है आउटर सरफेस इनर सरफेस हाई पोटेंशियल पर है, आउटर सरफेस लो पोटेंशियल पर है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वो कह रहा है डेल्टा वी, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? देखो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एम वीडी स्क्वायर अपॉन आर, तो स्मॉल ई को क्या लिखते हैं? माइनस डीवी अपॉन डीआर, इट इज एम वीडी स्क्वायर अपॉन आर, सो वी कैन से दैट डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्क्वायर। और ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो हमें पता है सर ऑब्वियसली करंट के प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट
That means the fourth option is also correct. So correct answers are A, C and D. ठीक है बिटू, चलो जी सर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक बहुत अच्छा सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये. मतलब इसके लिए कुछ हाई फाई कैलकुलेशन वगैरह किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिंपल फंडामेंटल से होने वाला क्वेश्चन है. देखो सर क्या बोल रहा है कि एज सोन स्कैमेटिकली इन द फिगर टू वेसल्स कंटेन वाटर सॉल्यूशंस. दो वेसल्स हैं, इसमें वाटर है और इसमें भी वाटर है, और दोनों का टेम्परेचर कैपिटल टी दे रखा है. ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, अच्छा जी सर वाटर सॉल्यूशंस हैं पोटेशियम परमैग्नेट के, ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस. इसमें इस वाले वेसल में जो कंसंट्रेशन है दैट इज स्मॉल n1, और इस वाले वेसल में जो कंसंट्रेशन है दैट इज स्मॉल n2, एंड मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एंड डेल्टा n जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन n1. अच्छा इसमें एक चीज है कि n1 ग्रेटर देन n2 है, ये अगले ने देखो इस वाले डाटा से डिफाइन कर दिया. बोलो यस और नो, है ना. When they are connected by a tube of small length and cross-sectional area S, KMnO4 starts to diffuse from the left to the right vessel through the tube. मतलब जैसे ही यहाँ पर इनको कनेक्ट करते हैं, इसका diffusion शुरू हो जाता है ट्यूब से. Consider the collection of molecules to behave as dilute ideal gas. मतलब KMnO4 जो है ना उसको अपन dilute ideal gas की तरह behave करेंगे. And the difference in their partial pressure in two vessels causing the diffusion. अच्छा diffusion होगा. If V is the speed of a molecule limited by the viscous force minus beta V on each molecule, where beta is a constant, neglecting all terms of order delta n square, which of the following is oblique R correct? अच्छा जी सर, where kb is the Boltzmann constant. Okay sir. अच्छा क्या क्या बोल रहा है, एक तो force के बारे में बात कर रहा है, force balance के बारे में बात कर रहा है, number of molecules के बारे में बात कर रहा है, और वो भी time के साथ change होंगे या नहीं होंगे. अच्छा जी सर ठीक बात है dear. देखो दोनों साइड में यदि मैं प्रेशर की बात करता हूं इसके दोनों साइड वाले, तो जैसे इधर वाले, अरे एक वेसल में मान लो जैसे ये वेसल है, कंसंट्रेशन स्मॉल एन लेते हो तो प्रेशर क्या लिखते हो, पीवी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए इनटू में आर टू. बोलो हाँ कि ना, ये स्मॉल एन जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो यदि वेसल का वॉल्यूम वी है और कंसंट्रेशन स्मॉल एन है तो मॉलिक्यूल्स ये होंगे. यहाँ से वी तो शहादत प्राप्त कर गया, अपना जो प्रेशर आ रहा है ना डियर दैट इज एन के बी, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट आर अपॉन एन ए जो होता है वो के बी के इक्वल होता है. तो प्रेशर जो आ रहा है ना एक साइड में वो एन के बी इंटू टी आ रहा है. ठीक है, अब पहले वाले में मैं बात करूं, इस वाले में एक में n1 है तो एक साइड का जो प्रेशर है दैट इज n1 kb into t, और दूसरे साइड का जो प्रेशर है p2 दैट इज n2 kb into t. ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर इनमें प्रेशर डिफरेंस जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन शुरू हो रहा है. तो दोनों साइड में देखो अलग अलग प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज n1 माइनस n2 into में kb into t. तो फोर्स जो आ रहा है वो दैट इज द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा एन के बी इंटू टी इंटू द एरिया ऑफ द ट्यूब दैट इज एस, क्योंकि ट्यूब से हो रहा है ना डिफ्यूजन. तो जी सर इस केस में जो डिफ्यूजन के लिए फोर्स आ रहा है दैट इज डेल्टा एन के बी इंटू टी इंटू एस. सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक बात. अच्छा फिर दूसरे केस में वो कह रहा है कि फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, मतलब कभी ऐसा हो गया कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करने लग गए, फोर्स बैलेंस हो गया. तो जी सर देखो फोर्स बैलेंस क्या कहेगा, अब समझना जरा बात को. यदि ट्यूब से मैं इधर से बात करूं तो ट्यूब पर इधर से एक फोर्स लग रहा होगा, एक तो इधर से फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा सर विस्कस फोर्स, और इधर वाली साइड से यदि मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं इधर वाली साइड से जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी डेल्टा पी इंटू एस. बोलो हाँ कि ना. अच्छा जी तो डेल्टा पी इंटू में एस जो है दैट शुड बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आती है, देखो एक मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बीटा बी, है ना. कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कंसंट्रेशन n1 है इधर वालों पे, ट्यूब की लेंथ sl है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मेरे पास हो गए n1 sl into बीटा बी, है ना. यहां से s जो है वो तो अपना शहीद हो गया. डेल्टा पी इज डेल्टा एन, इट इज के बी इंटू कैपिटल टी
एंड इट इज N1 इंटू में L इंटू में बीटा इंटू में V, बोलो हाँ कि ना। तो जी सर, जो सेकंड वाला आंसर है फोर्स बैलेंस वाला, वो भी अपना करेक्ट आ रहा है। ठीक बात। फिर थर्ड वाले केस में अपन बात करते हैं। वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकंड इज दिस। तो मान लो कि मैं एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में बात करता हूं, ठीक है। अच्छा जी, तो dt टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स मूव करके जा रहे होंगे? देखो डियर, एक छोटा सा कंसेप्ट यदि मैं लगाऊं, मान लो कोई मॉलिक्यूल v स्पीड से जाता है, तो dt टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? बोले जी सर, वो v dt डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स इस वाले वॉल्यूम में थे वो क्रॉस कर गए। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग पर सेकंड dt सेकंड में कितने होंगे? dt सेकंड में होंगे अपने पास n1 इंटू में v dt इंटू में एरिया। एरिया इंटू में लेंथ करते हैं, एरिया s है, लेंथ v dt आ गई, और नंबर कंसंट्रेशन n1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये dt टाइम में, तो यूनिट टाइम में यदि आप बात करोगे देन वी विल मल्टीप्लाई विद dt। अच्छा, तो ये डाटा n1s। अच्छा, v की वैल्यू जो है ना डियर, वो मैं इस वाली इक्वेशन से पुट कर रहा हूँ। तो v की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, दैट इज कमिंग एज डेल्टा n kb इंटू t डिवाइडेड बाई n1 l बीटा। बोलो सही है? अच्छा जी, तो n1 से तो n1 सही हो गया। अब थोड़ा सा यदि मैं इसको सजा के लिखना चाहूँ, जैसा गिवन टर्म्स में डेल्टा n अपॉन l लिख लिया, बिल्कुल आ गया। फिर kb इंटू में टी अपॉन बीटा आ रहा है, आ रहा है, और एक आगे क्या आ रहा है, s आ रहा है, और कोई टर्म आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। इसका मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब मैं फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूं। वो फोर्थ में बोल रहा है द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंजेस विद टाइम। तो देखो जी सर, ऐसा है, एक साइड से मॉलिक्यूल दूसरी साइड में आएंगे, तो ये जो है ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है। तो ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, एक साइड से डिफ्यूजन हो गए, दूसरे साइड में मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो एक साइड में कंसंट्रेशन डिक्रीज और दूसरी साइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसका मतलब डेल्टा एन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा, और डेल्टा एन टाइम के साथ डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर की जो रेट है दैट विल ऑल्सो चेंज। तो जी सर, ऑप्शन डी जो है वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो डियर, इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं दैट आर ए बी एंड सी। ठीक है जी सर, तो आगे बढ़ाएं बात को। अब अपन अगले सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज इंटीजर सेक्शन। इंटीजर सेक्शन में 6 क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, इनको डेसिमल में 2 डिजिट तक अपने को फिल करना था आंसर। तो डियर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। वो बोल रहा है पुट ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स विद द लेफ्ट वन एट 0 सेंटीमीटर एंड द राइट वन एट 90 सेंटीमीटर। अच्छा जी, देखो ऐसा कुछ है, जैसे ये एक स्केल है, एक साइड वाला तो फिंगर जो है वो यहां पर है और एक साइड वाला फिंगर थोड़ा सा इसके इधर है, ठीक है। तो अपन जब मोशन शुरू करवाते हैं, आगे क्या बोल रहा है देखो, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर्स स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विद रिस्पेक्ट टू द स्केल एंड द राइट फिंगर डज नॉट। आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट वन स्टार्ट्स स्लिपिंग, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस एक्स आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्केल and the left one starts slipping again. This happens because of the difference in frictional forces on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic frictions between the fingers and the scale are this and this, the value of XR is. देखो क्या है dear? जैसे ये scale है, इधर left finger है, इधर right finger इधर से थोड़ा सा close है। जब अपन motion करवा रहे हैं ना, तो शुरू में ये वाला finger move करता है, ये कुछ distance पर आकर रुक रहा है, बाकी अपन ने देखो ऑब्वियसली कैप लगा रखा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कोएफिशिएंट। शुरू में इधर वाला पार्ट मूव करता है, कहाँ जा रहा भाई, रुक जा, ये पहले मूव करता है, फिर ये वाला मूव करता है, फिर ये वाला मूव करता है, फिर अगेन ये वाला मूव करता है। तो ये कह रहा है कि पहले ये मूव किया, ये रुका, फिर ये मूव किया और ये रुका। तो जब राइट फिंगर पहली बार रुक रहा है तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो कि एक्स आर डिफाइंड है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। ठीक है, ओके जी सर, तो शुरू करते हैं। देखो बेटो, ये अपनी मीटर स्केल, सबसे पहले यहां पर लेफ्ट फिंगर और यहां पर राइट फिंगर। राइट फिंगर जो है ना बेटा, वो यहां से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है,
ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और ये वाली डिस्टेंस जो है ये 50 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में इधर एक एम जी लग रहा होगा, इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा और इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा। स्केल हमेशा हॉरिजॉन्टल माननी है। तो कुछ टाइम के बाद जब ये वाला फिंगर जब मूव करके हुआ आता है ना, तो ये वाला फिंगर मान लो सेंटर से यहां से एक्स एल डिस्टेंस पर आकर रुकता है, राइट वाला तो अभी भी यही है, तो इधर फोर्स लग रहा होगा एन1, इधर फोर्स लग रहा होगा आराम से, इधर फोर्स लग रहा होगा N2, इधर लग रहा होगा mg, और ये डिस्टेंस जो है ना बिटू, ये तो अभी भी मेरे पास 40 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब N1 प्लस N2 mg के इक्वल है। दूसरा, इस पॉइंट के अबाउट दोनों का टॉर्क इक्वल होगा, मतलब N1 इंटू XL जो है वो मेरे पास N2 इंटू 40 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो डियर मेरा N2 अपॉन N1 जो है, यहां से मैं बोल सकता हूं दैट वैल्यू विल बी 40 अपॉन XL। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पॉइंट पर मूवमेंट रुका है, तो ये तो मूव कर रहा था पहले, तो इसका तो काइनेटिक और ये पहले से रुका हुआ, मतलब इसका स्टैटिक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट था 0.32 इंटू में N1 और स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट है 0.40। देखो गिवन है ना, ये दोनों 0.40 इंटू में N2। तो डियर यहां से आपका N2 अपॉन N1 जो आ रहा है ना, That value is coming as 8/10 or we say it is 0.32/40, 8/10 or it is 4/5। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये वाला जो डाटा है वो यहां रख देता हूं, N2 upon N1 आ रहा है। अपन ने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर ली है पहले, क्या देखो इस वाले में मैं बात करूं तो ये डाटा मेरे पास एक्सएल अपॉन 40 आएगा। ठीक है, ये छोटी सी अपनी मिस्टेक है, तो इसको यदि मैं इसके इक्वल पुट करता हूं देन इट इज एक्सएल अपॉन 40। ठीक है, तो यहां से सोल्व करने पर एक्सएल जो आ रहा है वो मेरे पास 32 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, लेफ्ट वाला जो है, अब मैं राइट वाले फिंगर के मूवमेंट की बात करता हूं, देखो राइट वाला मूव करेगा फिर रुकेगा, तो सेंटर यहां, लेफ्ट फिंगर तो यहां है N1, ये वाली डिस्टेंस है मेरे पास 32, राइट फिंगर यहां है, ये है N2 और सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस बोल रहा है, दिस डिस्टेंस इज XR एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XR। ठीक है, तो एक यहां पर MG लग रहा होगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये तो रुका हुआ और ये चलता हुआ आ रहा है, मतलब इसका तो काइनेटिक फ्रिक्शन और इसका स्टैटिक, अभी तो स्केल हॉरिजॉन्टल है ना, तो N1 into 32 जो होगा वो मेरे पास N2 into XR के इक्वल आएगा। तो मैं यदि यहां से N2 upon N1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं ना, तो वो वैल्यू मेरे पास आती है N2 upon N1 that is 32 upon XR। ठीक, फिर एक तो ये आ गया, दूसरा इसका कौन सा फ्रिक्शन काइनेटिक, इसका कौन, ये चल रहा था इसका स्टैटिक, तो जी सर अपन लिखेंगे 0.4 इंटू में N1 इज इक्वल टू 0.32 इंटू में N2। तो जी सर यहां से यदि मैं N2 अपॉन N1 पुट करना चाहूं तो इस वाले केस में डाटा किसके इक्वल आएगा 5/4 के, और इधर से ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है सर 32 अपॉन XR के। ठीक है, तो जी सर मेरे पास जो XR आ रहा है दैट वैल्यू विल बी 128/5। तो ये सोल्व करने पर मेरे पास डाटा आ रहा है सर 25.6 सेंटीमीटर और उन्होंने डेसिमल के दो डिजिट तक पूछा था, तो अपन इसको 25.60 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है दैट इज 25.60। चलो जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें क्या बोल रहा है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन अ ग्लास वन कैन फिल इट टू ए हाइट स्मॉल h अबाउट द रिम ऑफ द ग्लास
due to surface tension of water to calculate small h just above the water. वो कह रहा है देखो जब अपन किसी भी कंटेनर में लिक्विड फिल कर रहे हैं तो अपन उसकी कुछ और हाइट तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्लोली इसको करना पड़ेगा. ठीक है, टू कैलकुलेट ए स्मॉल एच जस्ट अबव वॉटर स्टार्ट फ्लोइंग मॉडल ऑफ द सेप ऑफ द वॉटर अबव द रिम एज अ डिस्क ऑफ थिकनेस एच हैविंग सेमी सर्कुलर एजेस एज शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर. कि सर वो जब वो उससे पहले जस्ट लीकिंग शुरू होती है ना, उससे ठीक पहले ये सेमी सर्कुलर एजेस का कुछ इस टाइप का पोर्शन बन जाता है. हमने कहा ठीक है. फिर when the pressure of the water at the bottom of the disc exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing from there. मतलब यहां से वॉटर की जो है ना सर वो लीकिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, तो वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ वॉटर दे रखा है, सर्फेस टेंशन दे रखा है 10, जी की वैल्यू दे रखी है, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ एच पूछ रहा है. ठीक है जी सर, देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है. यदि अपन इसके ऊपर बात करें चलो पहले तो डायग्राम में ही बात कर लेते हैं, क्यों अलग से फोटो बनाया अगले ने, इतना बढ़िया फोटो सुंदर सा दिया है ना. देखो यदि मैं इस वाले पॉइंट पर बात करता हूं तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर है पी नोट, और एच डिस्टेंस नीचे आकर बात करता हूं तो प्रेशर होगा पी नोट प्लस रो जी एच. बोलो हाँ कि ना. अच्छा सही, लीकिंग कब शुरू होगी, एट द टाइम ऑफ लीकिंग ये वाला प्रेशर जो है पी नोट प्लस टी वन अपोन आर प्लस वन अपोन इनफाइनाइट के इक्वल होगा उस टाइम. देखो जब तक हाइट कम है सरफेस टेंशन उसको होल्ड करता रहेगा, लेकिन जैसे ही हाइट बढ़ गई सरफेस टेंशन एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद होल्ड नहीं कर पाएगा, तो जब ये वैल्यूज इक्वल होंगी उससे ज्यादा हाइट पर लीकिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है, अब डियर सरफेस टेंशन की वजह से मैं कैसे देख रहा हूँ, देखो इधर वाली जो सरफेस है ये तो सेमी सर्कुलर है, और इसके दूसरी साइड में अपन बात करें तो इधर जो सरफेस है वो कैसी है, फ्लैट है. तो अपन क्या करते हैं टी वन अपोन आर वन प्लस वन अपोन आर टू, यदि दो कर्व सरफेस होते हैं तो आर टू तो मेरा इनफाइनाइट है, तो यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ तो जी सर मेरा रो जी एच जो है ना डियर दैट वैल्यू इज कमिंग एज टी अपोन आर. ठीक, अब मेरे को स्मॉल आर कैलकुलेट करना है. देख बेटू सेमी सर्कुलर डिस्क में यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो गया जो कि 2R के इक्वल है, और क्वेश्चन में गिवन डाटा से बात करें तो वो H के इक्वल है, तो मैं R के प्लेस पर कितना पुट कर सकता हूँ H बाई टू, सो दिस वैल्यू विल बी 2T बाई एच है ना. अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ तो हाइट जो मेरे पास आती है ना दैट वैल्यू इज अंडर रूट 2T अपॉन रो जी. बोलो यस और नो, सही है क्या. अच्छा जी सर, अब डाटाज की यदि बात करें तो 2 दिस वैल्यू इज 0.07, This is 10 raised to the power 3 and this is 10. इस वैल्यू को सोल्व करने पर अपने पास जो डाटा आता है डियर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.7. देखो यार कैलकुलेशन थोड़ी सी थी वो तो करनी पड़ेगी आपको, कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है. तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है डियर वो आता 3.74 mm. क्लियर, बढ़ाएं बात को आगे. चलो जी सर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, 15 एक बहुत वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है. डिस्कशन शुरू करते हैं सर 15 का. देखो बोल क्या रहा है, दैट वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ अ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन. कि एक स्प्रिंग का एक सिरा इधर फिक्स है, इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है. ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज अटैच्ड एट इट्स अदर एंड. यहां पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल लगाया है. द एंटायर सिस्टम इज कैप्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अपन ने रखा है. व्हेन अ पॉइंट डाइपोल पी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड टू ए लेंथ एल एंड अटेन्स ए न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन. वो कह रहा है कि इस वाले केस में ये इक्विलिब्रियम पोजिशन गेन कर चुका है. मतलब अभी इस पर इधर डाइपोल कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इधर स्प्रिंग कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और वो दोनों फोर्सेज जो होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है जी सर. इफ द पॉइंट मास इज नाउ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय डेल्टा एल वेरी वेरी लेस देन स्मॉल एल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द रिलीज्ड इट इज फाउंड टू ऑसिलेट एट अ फ्रीक्वेंसी 1 बाय डेल अंडर रूट के बाय एम. द वैल्यू ऑफ डेल, डेल की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है जी सर, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. यदि मैं स्टार्टिंग से बात करो तो
तो सबसे पहले जैसे पॉइंट मास यहां पर डाइपोल जो है वो डाइपोल मोमेंट उसका पी वेक्टर मेरे को दे रखा है और यहां पर चार्ज पार्टिकल क्यू है, स्प्रिंग की नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच लेंथ है तो इधर तो फोर्स लग रहा होगा इस पर केएल और इधर इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा 2kp/r³ लग रहा होगा। तो 2kp वाले डाटा को अपन सजा के लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका मतलब केएल जो है वो pq/2πε₀l³ के इक्वल आ रहा है। तो यदि मैं यहां से k की बात करता हूं तो वो डाटा मेरे पास pq/2πε₀l⁴ के इक्वल आ गया, बोलो हाँ कि ना। इक्वेट कर रहा है, दोनों को इक्वल पुट करना है इक्विलिब्रियम में। अब आपने पार्टिकल को डेल्टा एल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, जैसे ही अपन डेल्टा एल डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं इस पर इधर जो फोर्स लगेगा दैट इज के एल प्लस डेल्टा एल है ना, और इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा पी क्यू अपॉन 2πε₀ एल प्लस डेल्टा एल रेस टू द पावर 3, बोलो हाँ कि ना। ले हाँ, अच्छा देखो ये कह रहा है कि सिस्टम SHM करता है तो SHM में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव और जब अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो जी सर, यदि मैं बॉडी पर फोर्स लिखना चाहूँ तो फोर्स को लिख सकता हूँ pq/2πε₀l³, मैंने पहले से ही कॉमन ले लिया और इट इज 1πδ₀l/l⁴ माइनस में k एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। अच्छा जी सर, अब ये जो पी क्यू अपॉन 2πε₀l³ है ना, इसको मैं के एल से रिप्लेस कर दूं तो फोर्स एफ को मैं लिख सकता हूं के एल और इसको मैं ऊपर ले गया तो 1πδ₀l⁻³ माइनस में के एल माइनस में के डेल्टा एल आ गया, ठीक है, सही है। तो हमने कहा जी सर देखो, यहां से यदि इसको बाइनोमियल लगाकर ओपन करते हैं तो फोर्स एफ की जो वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, एक तो के एल, इसमें बाइनोमियल लगाते ही ये 1-3 डेल्टा एल अपॉन एल आ गया क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल इज वेरी वेरी लेस देन डेल्टा एल इज वेरी वेरी लेस देन एल, माइनस में के एल माइनस में के डेल्टा एल। जैसे ही अपन इसको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करते फोर्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई -4kδl, ठीक है। और इसको अपन किसके इक्वल पुट करते हैं, एफ इजिक्वल्स टू एम ए, तो एक्सीलरेशन जो आ रहा है दैट इज कमिंग एज -4kδm इंटू में डेल्टा एल, और इसको अपन क्या पुट करते हैं, बोले जी सर -ω² इंटू डेल्टा एल पुट करते हैं। तो यहां से जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ रही है SHM के केस में दैट इज 4kδm, ठीक है। अब अगला क्या जानना चाह रहा है, अगला फ्रिक्वेंसी जानना चाह रहा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ω/2π, तो 1/2π और साथ में ओमेगा और लिखना है दैट इज 2√kδm, तो अपना 2 तो जो है ना वो सही हो गया। तो फ्रिक्वेंसी जो आ रही है ना डियर दैट इज 1/π√kδm और गिवन डाटा क्वेश्चन से साथ कंपेयर करें तो ये 1/δ√kδm है। तो सर आपका डेल जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बोले जी पाई के इक्वल आ रहा है और पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, दो डिजिट तक ये इक्वल होती है 3.14 के। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3.14, ठीक है। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P₁ एंड वॉल्यूम V₁, इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V₁, आफ्टर दिस द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू इट्स वॉल्यूम 32V₁, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर WISO and WADIA respectively, if the ratio WISO/WADIA is equals to F ln₂, then F की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है देखो ऐसा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यदि मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना के बात करना चाहूँ ना डियर, समझना जरा बात को है ना। यदि अपन प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम कर्व ड्रॉ करते हैं ना तो सबसे पहले तो ये आइसोथर्मल है और उसके बाद एडियाबेटिक है। इस वाले पॉइंट का वॉल्यूम है 4V₁, इस वाले पॉइंट का वॉल्यूम है V₁, इस वाले पॉइंट का प्रेशर है P₁, तो आइसोथर्मल के केस में इस वाले पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P₁/4, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में इस वाले पॉइंट का वॉल्यूम है 32V₁, तो मैं एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस में इस वाले पॉइंट का प्रेशर जानना चाह रहा हूं सबसे पहले।
लेट सपोज कि इस पॉइंट का प्रेशर P2 है, ठीक है? बोले जी ठीक, तो हमने कहा इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है पी वी रेस टू द पावर गामा, तो पी वन बाई फोर, फोर वी वन रेस टू द पावर गामा और हीलियम गैस कितना 5/3 माइनस में सॉरी इक्वल में पी टू इंटू में 32 वी वन रेस टू द पावर गामा दैट इज 5/3 मोनोएटोमिक गैस है। वी वन तो सही हो गया, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो पी टू जो मेरे पास आ रहा है दैट इज पी वन बाई फोर एंड 1/8 रेस टू द पावर 5/3 टू की पावर वन, टू की पावर थ्री, 1/3 कैंसिल आउट, टू की पावर फाइव, दो चार आठ सोलह बत्तीस और 128। तो फाइनल जो प्रेशर पी टू आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग एज पी वन डिवाइडेड बाई 128, ठीक है? अच्छा जी सर, फिर अब मेरे को आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्कडन बतलाना है। तो सबसे पहले यदि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसका वर्कडन होता है म्यू आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। बोलो हाँ कि ना, आइसोथर्मल में लिख सकते हैं, तो ये लॉग फोर आ रहा है इसको मैं टू, और म्यू आर टी जो है उसको क्या लिख सकते हैं पी वन वी वन और साथ में लॉग टू। हाँ पी वन पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, तो पी वन वी वन लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल होता है ना। पी इनिशियल कितना है पी वन बाई फोर, वी इनिशियल कितना है फोर वी वन, माइनस में पी फाइनल कितना है पी वन बाई 128 और वी फाइनल कितना है 32 वी वन। बोलो जी सर सही है। अच्छा ये तो कैंसिल आउट हुआ फोर टाइम्स, ये फोर से फोर गया अपॉन गामा माइनस वन, गामा 5/3 माइनस वन, दिस वैल्यू इज 2/3, सो इट इज पी वन वी वन माइनस पी वन वी वन बाई फोर, सो दिस वैल्यू इज 3 पी वन वी वन बाई फोर। तो पी एडियाबेटिक इज इक्वल्स टू 2/3 और एडजस्ट करेंगे तो 9/8 पी वन वी वन अपने पास आ गया, ठीक है? अच्छा जी सर, अब इसके बाद डब्ल्यू आइसो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एडिया अपने को कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू एफ लॉग टू के इक्वल पुट करनी है। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट किया पी वन वी वन तो सही हो गया, ये टू और ये 8/16 डिवाइडेड बाई 9 लॉग टू अपने पास आ गया और गिवन डाटा से ये एफ लॉग टू के इक्वल है ना। तो जैसे ही मैं कंपेयर करूँ एफ की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ रही है 16/9 एंड दैट वैल्यू विल बी 1.777778 ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.78। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट इज 1.78, ठीक है डियर? चलो जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। देखो जी 17 में क्या बोल रहा है, दैट अ स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद एन एयर कॉलम इन ए पाइप, इफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 2 meters per second इन फ्रंट ऑफ ओपन एंड ऑफ द पाइप parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. If the speed of sound in air is 320 meter per second, then the smallest value of a percentage change required in the length of the pipe. ठीक है जी सर, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि अपन इसको डील करें तो देखो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यहां पर पाइप है और यहां ट्यूनिंग फोर्क है और दोनों रेजोनेंस में, तो एफ नोट की वैल्यू जो है वो 2n+1 वी डिवाइडेड बाई कितना आएगी, बोले जी सर 4l आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना। बोला अच्छा अब ना वो सोर्स को मूव करवा रहा है तो सोर्स के मोशन से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। चलो इसमें एक नई चीज और बतलाते हैं कि यदि स्मॉल वेलोसिटी से सोर्स या ऑब्जर्वर, स्मॉल वेलोसिटी से सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई भी मूविंग होता है ना तो इफेक्ट लगभग सेम आता है। कैसे बिटू? जैसे मान लो यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर है, यहाँ पर मेरा सोर्स है और ऑब्जर्वर इधर v या फिर मैं कहूँ x स्पीड से मूविंग है तो मैं क्या लिखूंगा कि दैट f apparent इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस x अपॉन, यदि इधर जाए चाहे इधर जाए ना x स्पीड से स्मॉल स्पीड से v,
इंटू में एफ नोट, तो ये वाला डाटा मेरे पास आता है 1 प्लस माइनस x अपॉन v इंटू एफ नोट, तो चेंज कितने का हुआ, x अपॉन v इंटू एफ नोट का ना। अच्छा जी, फिर मान लो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मूविंग है इधर x स्पीड से या इधर x स्पीड से, तो अपन f apparent की वैल्यू क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं v अपॉन v माइनस प्लस x इंटू में f नोट, है ना। इसको सजा के लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं v माइनस प्लस x अपॉन v रेस टू द पावर माइनस वन इंटू एफ नोट, और इसमें बाइनोमियल थोड़ा सा सजा के लिखें, देखो पहले तो ऐसे लिख देते हैं माइनस v इंटू एफ नोट, जैसे ही अंदर घुसाएंगे क्योंकि x यदि लेस है तो ये डाटा हो जाएगा 1 प्लस माइनस x अपॉन v इंटू में f नोट, बोलो हाँ कि ना। तो स्मॉल वेलोसिटी से चाहे ऑब्जर्वर मूविंग हो चाहे सोर्स मूविंग हो, चेंज लगभग सेम सा आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं इस वाले केस में यदि df की बात करता हूं, यदि इस वाले केस में मैं डेल्टा f मतलब f अपरेंट माइनस f नोट अपॉन f नोट की बात करता हूं, मतलब df अपॉन f नोट की बात करता हूं, तो प्लस माइनस मेरे पास x अपॉन v आ रही है, x है कितना 2, v है 320, so this value is 1 upon 160, बोलो जी सर, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि सोर्स मूविंग है तो इसकी लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज लेकर आऊं मैं, ना सोर्स तो मूविंग है लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज लेकर आऊं ताकि वेरिएशन हो। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, df upon f not can be written as minus dl upon l, इस वाले केस में अपन लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, बोलो ये सर, बोला तो परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है वो भी प्लस में लेकर, तो अपन मोड की बात कर ले, इट इज df अपॉन f नॉट मल्टीप्लाइड विथ 100, सो दिस वैल्यू इज 100 अपॉन 160, 100 अपॉन 160 दैट वैल्यू इज 5/8, और 5/8 की बात करते हैं तो डाटा आता है 0.625, ठीक है। अच्छा देखो, अब अपने को इसको राउंड ऑफ यदि करना है तो रूल तो यही कहता है साहब कि 5 को यदि आपको ड्रॉप करना और 5 से पहले इवन हो तो राउंड ऑफ में उसमें कोई चेंज नहीं करना, ओड होता है तो करते हैं, इवन में कोई चेंज नहीं करते, तो ये वाला जो आंसर आना चाहिए दिस आंसर शुड बी 0.62, क्लियर बात। तो जी सर, क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0.62। चलो डियर, अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी रो आर इज इक्वल टू रो नोट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर वेयर सिग्मा नोट इज अ कांस्टेंट, सॉरी रो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर वेयर सिग्मा नोट इज अ कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली इज फाइ नोट। अच्छा, पूरे को रखे ना डिस्क को, एक ऐसी सरफेस जो इस पूरी को रखे, तो उससे तो फ्लक्स फाई नोट क्रॉस हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अनोदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर बाई 4 इज कंसेंट्रिक विद द डिस्क इज फाई, देन द रेशियो ऑफ फाई नोट बाई 5, ठीक है जी सर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है डियर, हमने कहा जी सर सबसे पहले तो अपन ये बोलते किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो होता है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होता है, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। तो यदि मैं फाई नोट बाई फाई की बात करना चाहूं तो दैट विल बी, दैट वैल्यू विल बी क्यू टोटल डिवाइडेड बाई क्यू टू कह देता हूँ, दूसरे वाली जो सरफेस है उसके लिए एप्सिलॉन नोट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को एक तो टोटल चार्ज देखना है और एक आर बाई 4 रेडियस तक का चार्ज देखना है। तो जब भी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी में अपन डिस्क में टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो अपन सबसे पहले यही करते हैं कि फर्स्ट वी कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, ठीक है। तो इस रिंग का जो एरिया होगा, देखो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काटो, काट के फैला दो, तो रिंग की लेंथ कितनी है 2πr, बोलो हाँ कि ना, भाई काट के फैलाया आपने तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो गई सर 2πr, और थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस होगी डी आर, ठीक है। तो इसका एरिया जो आ रहा है That is 2πr dr, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बोले जी सर टोटल चार्ज देखना है, तो इस रिंग पर चार्ज dq की वैल्यू कितनी, सिग्मा दैट इज सिग्मा नोट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल r मल्टीप्लाइड विथ 2πr dr। तो इस रिंग पर जो चार्ज मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है dq, दैट
that is coming as 2 pi sigma naught r minus r square by capital R into dr. बोलो जी सर, सेट है? अच्छा, फिर यदि मैं टोटल चार्ज की बात करता हूँ, क्यू टोटल पहले केस में, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक? जीरो से कैपिटल आर तक. तो 2 पाई सिग्मा नॉट स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर डी आर. तो सोल्व करने पर क्यू टोटल, देखो 2 पाई सिग्मा नॉट तो कॉन्स्टेंट है बाहर, लिमिट रख दूं मैं सीधा सीधा, तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस में आर स्क्वायर बाई 3. तो जी सर, इस वाले केस में क्यू टोटल जो मेरे पास आ रहा है, दैट इज कमिंग एज 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6. ठीक है. अच्छा, फिर दूसरे वाले केस में Q2 की कैलकुलेशन और करनी है मेरे को, तो वहां पर जब मैं चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से r बाई 4 तक लगानी है. तो Q टोटल जो मेरे पास आ रहा है, दैट इज 2 पाई सिग्मा नोट. मेरे को यहाँ कैपिटल R की जगह r बाई 4 रखना है ना, तो r बाई 4 रखते ही ये हो गया r स्क्वायर बाई 32, दो पहले से है. अच्छा, और ये हो गया मेरे पास r क्यूब रखा जाएगा, फिर कैपिटल R से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 64. ठीक है, दिस इज Q2. तो Q2 जो मेरे पास आ रहा है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 2 पाई सिग्मा नॉट, है ना, आर स्क्वायर कॉमन है, 32 भी कॉमन है, दिस वैल्यू विल बी. तो यदि इसमें देखें, देखो आर स्क्वायर बाई 32 तो कॉमन है, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 1, तो 3 बच गया, ये 2 बच गया, तो 1 माइनस 1 बाई 6 बच गया, कितना बचा सर, 5 बाई 6. तो Q2 जो मेरे पास सोल्व होकर आ रहा ना डियर, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 6 को तो मैंने बाहर रख दिया, और ये वाला डाटा मेरे पास 5 अपॉन 32 इधर रख लिया. बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ. तो जी सर, आपका क्यू 5 नॉट अपॉन 5 Q टोटल अपॉन Q2 के इक्वल है. Q टोटल ये रहा, ये वाला Q टोटल ही तो है, तो Q टोटल अपॉन Q2 जैसे ही करेंगे, तो दिस वैल्यू 5 नॉट बाई 5, दिस कम्स एज 32 डिवाइडेड बाई 5. इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अपने पास आना चाहिए, दैट शुड बी 6.4. क्लियर बात? तो 2 डेसिमल जीरो तक लिखेंगे तो अपन लिख सकते हैं 6.40. बोलो डियर, क्लियर बात है? ओके सर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन डिस्कशन ऑफ पेपर 1. गुड बाय.